यार एक बात बताओ, ये जो बार्सिलोना का यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे जो बार्सिलोना को पनौती लगती है, इसको कोई जवाब है क्या? अरे इसका कोई टोटका वोटका है क्या? इसको कैसे ख़त्म करना है, कैसे नहीं ख़त्म करना है? किसी बार्सिलोना फैन को पता हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। लेकिन भाई इससे पहले कि मैच के बारे में बात करते करते भावनाओं में आ जाऊँ, सबसे पहले तो आई रियली रियली वॉन्ट टू थैंक यू सो मच गाइज कि भाई तुम में से जितने भी लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, चार लपाटे को सपोर्ट करते हो, प्यार करते हैं। क्योंकि यार देखो, चाहे मैं अपनी स्ट्रीम पे बैठा हूँ, चाहे मैं किसी और की पॉडकास्ट, काफ़ी सारे अपने जो लपाटे ना वो बोलते हैं कि थैंक यू भाई, योर कॉन्टेंट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर। लेकिन लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक तुमने अपना बोल दिया, मैं तुम्हें अपना बताया हूँ कि यार इस समय ना, पिछले अगर 1-1.5 महीने की मैं बात करूँ ना, तो जिस चीज़ से मैं गो थ्रू हो रहा हूँ ना, जिस स्ट्रेस से, जिस भाग दौड़ से और जिस बस बेस्ट ऑफ थिंग्स से, आई थिंक उन सारी चीज़ों में ना, ये जो छोटा सा एक सेटअप है ना, ये जो छोटा सा है, जितना भी है भाई, दिस इज़ लव फॉर। मैं जब भी भाई इतनी बकचोदी है, पूरी बकचोदी बकचोदी हो हा कि जब मैं इस कुर्सी पर बैठता हूँ ना, इस कैमरे के सामने आता हूँ, मेरा बस एक ही होप रहता है कि भाई जो भी कॉन्टेंट आ रहा हूँ ना भाई, तुम लोगों को पसंद आना चाहिए। एंड थैंक गॉड फॉर्चुनेटली ना, फिंगर क्रॉस भाई, तुम लोगों को कॉन्टेंट पसंद आना है। तो भाई मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है भाई, इस चैनल को बस इसी तरह सपोर्ट करते रहो। लेकिन इसी के साथ फिर बात करते हैं यहाँ पर बार्सिलोना वर्सेस फ्रैंकफर्ट वाले मैच की। इट इज़ शॉकिंग इंडीड। और सही बताऊँ, जितना शॉकिंग ये मैच है, जितना शॉकिंग ये रिजल्ट है, उससे कहीं ज़्यादा शॉकिंग भैंचोद, क्या है ये? ऐसा कैसे हो सकता है कि कैंप नू में यहाँ पर लिटरली यहाँ पर कहीं ना कहीं 35,000-40,000 फ्रैंकफर्ट के फैंस हैं। बहुत सारे मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ कि भाई यहाँ पर सोल्ड आउट कर देंगे, ब्लैक में बेची गई टिकट। क्या भाई, क्यों? देखो मेरे को, मैं इस पर ज्ञान नहीं छोड़ने वाला कि 50 यूरो 60 यूरो के लिए तुमने ये कर दिया वो कर दिया, वह कोई नहीं होता। बट मेरे को बस इससे फ़र्क पड़ता है कि भाई तुम्हारी वजह से ना, जितने भी हो ना तुम, 10-15 हज़ार हो, 20 हज़ार हो, तुम्हारी वजह से भाई तुम्हारी टीम, लिटरली तुम्हारी टीम अपने क्राउड, अपने होम ग्राउंड में, अपने जहाँ अपने सपोजिटली क्राउड के सामने एक अवे मैच खेल रही थी। तुम्हारा कैंप नू कहीं ना कहीं लाइक फ्रैंकफर्ट के फैंस से भरा हुआ था। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? वो कैंप नू जहाँ पर कहीं ना कहीं अब बार्सिलोना के चैंट्स होते हैं, वो कैंप नू जहाँ पर कहीं ना कहीं अवे फैंस की लिटरली फटनी चाहिए, वहाँ पर आज कहीं ना कहीं अवे फैंस होम फैंस के बराबर है। क्यों? ये कैसे हो सकता है? दिस इज शॉकिंग। कहाँ भाई, मैं हमेशा मानता हूँ इस चीज़ को, और मेरे को नहीं पता कि ये मैं अंधविश्वास है, वॉट एवर इट इज़, बट मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि जब इतने बड़े मैचेस होते हैं ना, योर क्राउड, योर होम क्राउड, योर सपोर्टर्स ना आर द 12th मैन। और आज जिस तरीके से ये मैच के इवेंट्स हुए ना, जिस तरीके से मैच अनफोल्ड हुआ है ना, बहुत सारी कमी थी, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ी कमी थी ना, वो मेरे को लगता है क्राउड की। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ बार्सिलोना के फैंस को मैं भाई गाली नहीं दूंगा, उनके जो उन्होंने वो टिकट सेल करी हैं या जो भी करा है, आई थिंक फ्रैंकफर्ट के वो फैंस जिन्होंने चाहे वो ब्लैक में खरीदो, जिन्होंने बकचोदी में खरीदी हो, इट जस्ट शोज कि वो अपनी टीम को भाई सपोर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो जो जरिया था, वो कितना गलत है, कितना सही है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक डिबेट का ऑप्शन है। लेकिन बात करते हैं अगर मैच की, तो अगर आप ओवरऑल देखो तो देखो, अगर स्कोर बोर्ड की हम बात करें, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भाई आप लाइक कि भाई मैच तो बहुत तगड़ा गया, लेकिन सही बताऊँ तो ये मैच काफ़ी ज़्यादा एक तरफा है। अगेन, इस एक तरफा किस तरफ है, अगर आप पोजिशन को देखोगे, अगर आप यहाँ पर अटैकिंग वेव्स को देखोगे, तो आपको लगेगा बार्सिलोना। लेकिन अगर आप थ्रेटनिंग को देखोगे, अगर आप देखोगे कि कौन ज़्यादा गांड फाड़ रहा था, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि फ्रैंकफर्ट होगा। हाँ, शुरुआत लास्ट के जो 10 मिनट हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट, तो उस पर भी हम आगे एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ शुरुआत, भाई 3 मिनट के अंदर कौन सी टीम स्टार्ट करती है, 3 मिनट के अंदर कौन सी टीम यहाँ पर ऑलरेडी अपने उसमें रहती है। और हमको देखो पता है कि जावी की जो बार्सिलोना टीम है ना, वो कम से कम 10 मिनट तो लेती है अपने आप को गेम में पूरा इन्फ्यूज़ करने के लिए, गेम को अपनी तरीके से ढालने के लिए। यहाँ पर 3 मिनट के अंदर एरिक गार्सिया ने पेनल्टी गिफ्ट कर दी। यस, मेरे लिए वो पेनल्टी गिफ्ट कर दी। मैं पेनल्टीज पे ना कहीं कभी मैं ज़्यादा गाली नहीं देता, मेरे को सही बताऊँ तो मेरे को ज़्यादा अच्छा ही लगता है इंडिविजुअल एरर्स पे गाली देना, और ये मैं हैरी मैग्वायर वाले केस में भी बहुत बार कहता हुआ रहा हूँ। लेकिन हाउ कैन यू डू दिस यार, मतलब इतने बड़े मैच में आप जिस तरीके से वो जो चीज़ करना चाह रहा था ना, वो डेफिनेटली उसकी गलती थी, और वहाँ पे मैं उसको ब्लेम करूँगा, क्योंकि वो उसका इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग थी कि मैं यहाँ पर इसको बॉडी करूँगा। और बॉडी करते करते कब तू फाउल कर रहा है, एक बहुत ही ब्लेटेंट फाउल कर रहा है,
दैट हैज टू बी ऑन यू। और एरिक गार्सिया को लेकर ना मेरे को लगता है कि बार्सा फैंस को ना एंजाइटी फील होनी चाहिए, क्योंकि सही बताऊं तो इस ये प्राइम एग्जांपल हैरी मैग्वायर है। बस फर्क इतना है कि एरिक गार्सिया कैप्टन नहीं है और 80 मिलियन का इस पर प्राइस टैग नहीं है, लेकिन बाकी सब सेम है। हैरी मैग्वायर और एरिक गार्सिया में अगर आपको सिमिलैरिटी बताऊं ना दोनों के रिगार्डिंग, यहां पर दोनों के अपने इंडिविजुअल फैन बेसिस यूनाइटेड के और बार्सिलोना के, दे आर जस्ट होपिंग वो एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन पे है, क्योंकि कभी कभार एक हफ्ते में इतने बढ़िया खेलते हैं लेकिन तब आपको तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगले ही हफ्ते आपने इनकी माँ बहने कर रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसा मौका देते हैं। अब एरिक गार्सिया ना भाई बहुत फ्लॉज हैं इसके गेम स्टाइल में, लेकिन कभी कभार एक ऐसा होता है ना कि जब बहुत सारे फ्लॉज होते हैं तो बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं उस प्लेयर में कि आपको लगता है कि यार वो जो फंडामेंटल्स अच्छे प्रोज है ना वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ओवरपावर कर देंगे। आडामा ट्राउरे का प्राइम एग्जांपल है, शूटिंग नहीं कर सकता, पासिंग अच्छी नहीं कर सकता और ज़्यादा अनप्रडिक्टेबिलिटी है, लेकिन बॉडी कर सकता है, पेस है, ड्रिबलिंग कर सकता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट कर देती है। एरिक गार्सिया के केस में भी इस सीन में भी यही सेम वो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब चीज़ बकचोदी ज़्यादा हो रही होती है ना आपके अच्छे काम से, तो प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। और देखो 3 मिनट के अंदर अगर आप अपने होम पे यार लाइक हर एक इवेंट को ना आप उस सिचुएशन के साथ रिलेट करोगे ना तो आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। आपने 3 मिनट के अंदर गोल खा लिया, नाउ यू आर डाउन ऑन एग्रीगेट, आपके होम क्राउड में बकचोदी हो रही है, आपके 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 स्टेडियम में कहीं ना कहीं 30,000 से 35,000 अवे फैंस हैं, मैच के बीच में आपके फैंस उठ के चल देते हैं प्रोटेस्ट, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करोगे तुम, किसके अगेंस्ट, जावी के अगेंस्ट, बार्सिलोना के उन टीम प्लेयर्स, क्या 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 मैं नहीं सोचता कुछ हुआ है क्या, बाहर क्या खा के आए हो तुम भाई, क्या किसने कुछ हवन हवन कर दिया, क्या हो गया, क्या दिमाग में क्या आ गया, कुछ घुस गया है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सही बताऊँ तो चाहे बार्सिलोना हो चाहे कोई सा भी क्लब हो, दिस इज एक्चुअली वेरी क्यूरियोसिटी से भरा इंसिडेंट है कि क्या हुआ भाई ऐसा, हाउ कैन यू डू दिस, ये अनफोल्ड कैसे हुआ यहाँ पर। इसके बाद अगर हम देखें तो पूरे टाइम यहाँ पर बार्सिलोना ने डोमिनेट किया है। डेम्बेले भाई, डेम्बेले ने अपनी क्लास दिखाई है, डेम्बेले ने आज इस टीम को वो दिखाया है कि सिर्फ डेम्बेले के होने से टीम अच्छी नहीं हो जाएगी, जो वो चीज़ क्रिएट कर रहा ना उसको बरी करना पड़ेगा। फेरन टॉरस सेम, फेरन टॉरस में हर चीज़ है लेकिन फिनिशिंग नहीं है। ओबामेयांग, इसके बारे में तो क्या कहूँ यार मैं, यस ओबामेयांग इज स्कोरिंग गोल्स फॉर यू, लेकिन ओबामेयांग का जो इनएबिलिटी है ना कि वो बॉल को होल्ड नहीं कर सकता, वो टीम के साथ लिंकअप नहीं हो सकता, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। वो जो उसका टैप इन मिस किया है, कोई भी प्लेयर एक किसी भी प्लेयर का बुरा दिन आ सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैच गया ना आपको ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके सामने जो गोल्स आपने कंसीड किया ना वो पता नहीं क्या कहाँ से भाई वो गोल स्कोर कर रहे हैं। बहुत टाइम तो बार्सिलोना सही में बची है, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पर फ्रैंकफर्ट नहीं बची है, बची है, लेकिन आप ये देखो ना कि फ्रैंकफर्ट कैसे आपके कैंप नू में आपको इतना अच्छे से डोमिनेट करके इतना अच्छे से थ्रेट कर सकती है, और यहाँ पे उन्होंने करके दिखाया है, दे हैव एक्चुअली टेक्टिकली आउटक्लास किया है। यहाँ पर एक मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे इस ओपिनियन से आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोग एग्री नहीं करेंगे, बट ये चीज़ मेरे को कहनी, और डेफिनेटली आई विल लाइक टू नो कि कमेंट सेक्शन में आप इस ओपिनियन से एग्री करते हो या नहीं करते हो। जब एक टीम हाई प्रेसिंग और काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलती है ना तो बार्सिलोना को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आई नो कि सर्जियो बुस्केट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यस ट्रांजिशन में सर्जियो बुस्केट्स यहाँ पर कवर नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं मैं इसमें पूरी गलती सर्जियो बुस्केट्स पे नहीं कहूँगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ही इज़ जस्ट फिनिश्ड और ये खत्म हो चुका है बिल्कुल, लेकिन हमको पता है क्या, सर्जियो बुस्केट्स को यहाँ पर अपने साइड में प्लेयर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये चीज़ होती है। आज फ्रेंकी डियोंग नहीं था, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा कि गावी और पेड्री अपना जॉब नहीं कर रहे थे, दे वर डूइंग इट, बट आज कहीं ना कहीं बस वो फील नहीं हुआ, वो सर्जियो बुस्केट्स को मेरे को लगता है कि वो यहाँ पर वो सपोर्ट मिला नहीं। पेड्री की इंजरी, आई थिंक पेड्री का सीज़न ओवर हो चुका है, होप ऐसा ना हो टच वुड, लेकिन आई थिंक यहाँ पर पेड्री का सीज़न ओवर हो चुका है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई ये तो ओवर यूज़ की बात है, और यहाँ पर रोनाल्ड कोमन जब पेड्री को बहुत ओवर यूज़ कर रहा तो रोनाल्ड कोमन गाली मिलती है, जावी को नहीं मिलती। भाई जावी ने बहुत मतलब स्ट्रैटेजिकली पेड्री को यूज़ किया है, और रीसेंट टाइम्स की बात करें तो यार ये रोटेशन और ओवर यूज़ का मुद्दा है ना ये बार्सिलोना में बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि जावी क्या कर रहा है, फ्रेंकी डियोंग को वो कर रहा है और सर्जियो बुस्केट्स को पेड्री को लगातार खिलाया जा रहा है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट फॉर मतलब मैं समझ पा रहा हूँ पार्शली, चीज़ कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ब्लेटेंटली कहना इट करेक्ट नहीं है, क्योंकि सही बताऊँ तो पेड्री जिस फॉर्म में चल रहा है ना हर एक मैनेजर उसको स्टार्टिंग 11 में डालेगा, और ये जो इंजरी वाला सीन है इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट, इट्स जस्ट रियली अनफॉर्चुनेट। आई थिंक उसको एक मसल इंजरी हुई है, मैं पढ़ रहा था आई थिंक FF पोलो की कोई रिपोर्ट थी, उसमें उसने लिखा था कि शायद से सीजन ओवर हो चुका है,
बाकी मैं कंफर्म करके भाई डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं कमेंट जो है उसको पिन कर दूंगा जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट होगी। यूरोपा से बाहर है बार्सिलोना, तो भाई जावी सिस्टम, जावी बॉल इज फेल्ड और हमारा तो सीजन ख़राब हो चुका है, हमारा सीजन है, हमें तो चूड़ियाँ तोड़नी पड़ेंगी। देखो किलसना पड़ेगा तुमको और सब किलसते हैं, एज अ मैड्रिड फैन मैं भी खिलता हूँ, एज अ यूनाइटेड फैन मैं भी खिलता हूँ और यूनाइटेड फैन मैं तो पूरे सीजन खिलता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज अ फुटबॉल फैन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इफ़ यू आर बार्सिलोना फैन ना, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ जावी। आपका यस बुरा लगता है जब आपको लगता है ना कि आप एक फिल्म की तरह जा रही है यार भाई, मतलब हम सीजन में कहीं भी नहीं थे रोनाल्ड कोमन के अंडर, फिर जावी आया, जावी ने आके पूरा सिस्टम बदल दिया, हम यहाँ पर बिल्कुल यूरोपा लीग में जा रहे हैं और यूरोपा लीग में जाके हम यूरोपा लीग जीत जाएंगे और ये ट्रॉफी हम कर लेंगे। यस बहुत बढ़िया स्टोरी होती वो, मे बी डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टर्न अराउंड स्टोरीज इन द बार्सिलोना हिस्ट्री और मे बी फॉर सम इन द फुटबॉल हिस्ट्री। लेकिन यार ऐसे फुटबॉल वर्क नहीं करता, ये मेरे ख्याल से लगता है कि उन प्लेयर्स के लिए, वो प्लेयर्स जो कि बार्सिलोना की जर्सी के लिए खेलने के लिए, वो प्लेयर्स जो कि रात दिन वीक इन वीक आउट वहाँ पे अपना हर एक देता है, चाहे वो गावी हो, चाहे वो नीको हो, चाहे वो डियोंग हो, पेड्री हो, यहाँ पे डेम्बेले हो, सब हरा आरा हो, इट्स जस्ट अ रियलिटी चेक कि भाई उनको जो रास्ता है अभी वो बहुत लंबा है, उनको यहाँ पर अभी बहुत कुछ काम करना है। इवन फॉर जावी मैं कहूँगा कि यहाँ पर उसको पता चल गया होगा कि स्ट्रैटेजिकली उसको यहाँ पर किस तरीके से रिक्रूटमेंट करनी है, चाहे वो डिफेंस की बात हो, चाहे वो मिड की बात हो, फुलबैक की बात हो। जॉर्डी अल्बा काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म ले रहा है और देखो लेना भी चाहिए, उसका गेम स्टाइल इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर अच्छे की बात हो तो मेरे को लगता है कि जॉर्डी अल्बा के अराउंड बाकी प्लेयर्स का भी कहीं ना कहीं गेम पिछले कुछ टाइम से अच्छा नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो सिस्टम है ना, ये टैक्टिकली बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है और बार्सिलोना का बिल्कुल पत्ता बैठ गया है, बस ये हार के बाद अब बार्सिलोना कम बैक नहीं कर सकती। दे विल कम बैक और आई एम नॉट सेइंग कि भाई ठीक है मेरी फटती है बार्सिलोना, आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज मेरे को पता है व्हाटएवर मैं जो भी कह रहा हूँ ना, मैं उसके पीछे फुटबॉल की जो लॉजिक्स है ना उसको यूज़ कर रहा हूँ। द सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, व्हाटएवर जावी इज इम्प्लाइंग इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ से अब जो स्ट्रेट फोकस होना चाहिए ना वो सिर्फ और सिर्फ टॉप फोर पे होना चाहिए, नजरें सिर्फ और सिर्फ टॉप फोर पे होनी चाहिए। येस इट्स अ ह्यूज लॉस, बहुत बड़ा यहाँ पर आपको धक्का लगेगा क्योंकि यूरोपा लीग एक ऐसी मैं ट्रॉफी मांगता हूँ जो कि बार्सिलोना की होनी चाहिए थी, और क्यों नहीं होनी चाहिए थी। आप एथलेटिको मैड्रिड को आपने हराया, यस अनफॉर्चुनेटली आपने रियल मैड्रिड को सेंटियागो बर्नाब्यू में हरा दिया है, मे बी आई वुड से टैक्टिकली आउट क्लास के साथ आपने डिस्ट्रॉय किया, तो क्यों नहीं आप बड़ी बड़ी टीम्स के साथ खेल रहे हो, लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं एकदम से सकर पंच की तरह आप यहाँ पर बाहर हो जाते हो। और शायद से यार ये चीज़ ना बार्सिलोना की थोड़ी सी मानूंगा कि गलती भी है, क्योंकि आप देखो अगर गैलेटासरे की बात करें, अगर नेपली की बात करें और यहाँ पर अगर फ्रैंकफर्ट की बात करें, तो तीनों टीम्स के अगेंस्ट आपने पहला लेग अपना ड्रॉ किया है, विच इज़ अ ह्यूज रिस्क कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप जिस तरीके से खेल रहे हो ना, आप सेकेंड लेग पर आप फर्ज क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि सेकेंड लेग पर फिर जो भी चीज़ होगा वो आपको सकर पंच की तरह लगेगा, जो कि है भी एक तरीके से। और अब यहाँ पर मेरे को लगता है कि बार्सिलोना का जो टोटल फोकस है वो यहाँ पर टॉप फोर अचीव करने के लिए होना चाहिए। येस दे नीड अ रिक्रूटमेंट, वो रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजिकली अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पर मेरे को लगता है कि डेडवुड को हटाना पड़ेगा, चाहे वो मेम्फिस डिपाय हो। येस ओबामेयांग के रिगार्डिंग भाई एक बार फिर से सोचना पड़ेगा, आई एम नॉट सेइंग कि ओबामेयांग फ्लॉप है, ओबामेयांग इज अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन जिस तरीके से जावी अब उसको यूज़ करता हुआ दिख रहा है या जो जावी के जो प्लान्स है अपने स्ट्राइकर को लेके, ओबामेयांग इज़ नॉट फिट फॉर दैट। ओबामेयांग आपको लिंकअप नहीं कर सकता, ओबामेयांग की जो होल्ड बॉल को होल्ड करने की एबिलिटी है वो नहीं है। फेरन टोरेस डेम्बेले कितना क्रिएट करें, उसको बरी करने के लिए एक बहुत ही हार्ड वर्किंग प्लेयर चाहिए, एंड येस ओबामेयांग इज़ हार्ड वर्किंग बट वो सही तरीके से नहीं है। फ्रेंकी डियोंग की कहीं ना कहीं आज मेरे को कमी बहुत ज़्यादा खली है, फ्रेंकी डियोंग के आने के बाद से एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो डायरेक्टनेस आई है, वो एक आउटलेट आया है। ओवरऑल भाई मैं देखो यही कहूँगा सारे बार्सा फैंस को, क्योंकि मेरे को पता है कि यार इस चैनल पे बार्सा के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, एंड आई थिंक उनको पता है कि यार मैं एक अनबायस्ड, हमेशा से एक अनबायस्ड मैं व्यू पॉइंट रखता हूँ। मैं बस उनको ये कहूँगा यार बिलीव इन द प्रोसेस, और ठीक है यार थोड़ा सा कड़वा होता है, ठीक है चल है यार, मतलब मैं यही कहूँगा कि ठीक है भाई थोड़ा सा अगर बैंटरिंग चल रही है, ट्रोल किया जा रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है यार इसको एक हेल्दी वे में लो, लेकिन कोई बस मैं कहूँगा कि ट्रोल और ये बैंटरिंग करने वाले भाई अपनी लिमिट को क्रॉस ना करें, क्योंकि आज बार्सिलोना बैंटर हो रही है, कल कोई और टीम हो रही थी, दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ फुटबॉल। हाँ बस एक स्पर्स को छोड़ देना क्योंकि वो हमेशा बैंटर होती है, कोई स्पर्स का फैन हो रहा तो देखो गांड मत मार लेना मेरी कमेंट सेक्शन में, बट इट वॉज जस्ट अ हेल्दी बैंटर। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।